हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस। दोस्तों, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और हम आज की जो वीडियो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, जो कि बहुत छोटी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 5 से 6 नंबर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके दोस्तों, और इसको हम लोग थोड़ी शॉर्ट नोट में इसका क्विक रिविज़न करने जा रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं। एक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो पावर 2 है ये बताता है कि ये क्वाड्रिक है। ये जो पावर 2 है ये बताता है ये क्वाड्रिक है। अगर यहीं पे 2 की जगह अगर 3 कर दे तो ये क्यूबिक बन जाएगा, और अगर इसकी जगह 1 कर दे तो ये लीनियर बन जाएगा। पावर 1 इज लीनियर, पावर 2 इज क्वाड्रिक, एंड पावर 3 इज क्यूबिक। तो हम लोग का ये जो है एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रिक का। और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा है इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। इक्वेशन कब होता है? जब इक्वल टू के साइन के साथ कुछ नंबर लिखा जाता है, ठीक। अगर इसको LHS और RHS में कन्वर्ट कर देंगे तब जाके ये एक इक्वेशन में बन जाएगा। ये पोर्शन हम लोग का LHS है और ये RHS है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसे ही इक्वेशन बोलते हैं। आइए इसको लगाने के हम लोग कुछ मेथड जो हमारे 10th के बोर्ड में बोर्ड के बुक में दिए हुए हैं, आर्यस अग्रवाल में दिए हुए हैं, NCERT में दिए हुए हैं, RD शर्मा में दिए हुए हैं, उसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपको और भी ढेर सारे वीडियो प्रोवाइड करा सकें और ढेर सारे सब्जेक्ट की करा सकें, ठीक। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये एक आइडियल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। आइडियल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, हम लोग पहला मेथड यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक, इसको हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। क्लास 9 में मिडिल टर्म स्प्लिट वाली आपको होगी, आपको याद होगा, ठीक है। इक्वल टू जीरो करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच वाले नंबर को, सॉरी साइड वाले नंबर को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि यहाँ पे जो साइन है यानी प्लस, प्लस करने पे ये वाली नंबर हमको मिले। लास्ट वाले नंबर को ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे हमको ये वाले साइन मिले। तो क्या लिखेंगे? 5 को हम लोग क्या किस में तोड़ सकते हैं? 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 और 5 पे तोड़ सकते हैं। तो इनको ऐड करने पे क्या मिल रहा है? 6 मिल भी रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस 5, और यहाँ से कुछ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ चेक करेंगे, यहाँ जो 2 ब्रैकेट क्रिएट हुए ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो सही, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका ऊपर का स्टेप कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट जो इक्वल है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा एक्स और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। तो इस दोनों वर्ड का मतलब है कि या तो इस ये या ये आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो 0 आते हैं। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग देख इसको 0 को इक्वल करके देखते हैं क्या आता है। तो एक्स इक्वल टू 5 आ गया, और एक बार एक्स प्लस 1 को 0 को इक्वल करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस 1। या तो एक्स की वैल्यू 5 है या तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 है। ये जो 5 और माइनस 1 दिया है इसको कहते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके दोस्तों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं था, इसको हम लोग 1 माने, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 9 है। तो इस 9 का पहले इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 का क्या आएगा, 18 आएगा, 9 2 का क्या आएगा, 18। अब 18 को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे 3 आए। तो 6 3 18, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 भी आता है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व किया जाए, 9x² माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9x² माइनस 6x ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो दो का पेयर बनाए,
पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो प्लस वन, 3x-2=0। फिर यही चीज़ यहाँ भी लाना था, तो 3x-2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हुआ, इक्वल आ गया, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके, तो आइए इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। 3x-2 क्या बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से प्लस वन बचेगा, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो 3x-2=0, 3x=2, x=2/3। ओके, फिर यहाँ करते हैं 3x+1=0, ठीक, 3x=-1, x=-1/3, यही इसके दो आंसर आएंगे जो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले मेथड चलते हैं। हमारा अगला मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगला मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, आइए कैसे करते हैं, देख इसको ट्राई किया जाए। यहाँ पे जो ये 4 है, पहले ये 4 को दोनों में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, तो 4x² + 3x + 5=0। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, x² 3/4x + 5/4=0। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे जो अपना एक्स, यहाँ पे ये 5/4 वाला टर्म है, इसको दूसरे साइड भेज देते हैं, x² + 3/4x = -5/4। अब यहाँ पे हमको 2ax बनाना होता है, क्या बनाना होता है, 2ax। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, x² + यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 का डिवाइड भी करेंगे। ठीक, a की वैल्यू हमारी x है इसलिए x, और बचा अपने पास क्या, पहले से यहाँ पे 3/4 है, तो यही 3/4 जो यहाँ पे इतना पूरा आया है इसी का स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करेंगे, तो 3/8 का स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर देते हैं, 3/8 का स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, आइए देखते हैं क्या आएगा। तो हमारा हो जाएगा, जब इस तीनों को हम लोग लेंगे तो हमारा बन जाएगा x+3/8 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, x+3/8 का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा, इस साइड बनेगा ये 3 का स्क्वायर 9/64 - 5/4। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे 64। ठीक, यहाँ 4 का 12 64, 16 बार में 16 5 80, 16 5 80, 16 5 80, और 80 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 64, 4 12 64, 16 टाइम में 16 5 80 - 9, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 71/64 जो कि माइनस में आएगा। ठीक, तो 61/74, तो यहां पे हम लोग करेंगे x+3/8 का जो स्क्वायर था, x+3/8 का जो यहां पे स्क्वायर था, ये को हम लोग इस सामने वाले को रूट में दे देंगे, ये हो जाएगा -71/64। तो x यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आएगा, तो x = -3/8 + -√-17/8 इसका आएगा। ओके दोस्तों, इसका यही उत्तर आएगा। ओके दोस्तों, तो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और नहीं आएगा तो फिर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। हमारा जो अगला है वो सॉल्व करने का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है वो फॉर्मूला है सिद्धराचार्य, सिद्धराचार्य का फॉर्मूला है। ये बोलते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दो रूट्स हैं उसकी वैल्यू -b + -√-b² - 4ac / 2a के इक्वल होती है।
इसी फॉर्मूला पे हमको रखते हैं सॉल्व करना है। ठीक, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला काम करेंगे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इसको कंपेयर किए तो हमको ए की वैल्यू मिल गई √3, बी की वैल्यू मिल गई -2√2 और सी की वैल्यू मिल गई -2√3। ठीक, फिर हम लोग फॉर्मूला रख दिया माइनस बी प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A रख दिए। आइए हम लोग रखते हैं इस पर सॉल्व किया जाए। बी की वैल्यू माइनस -2√2 प्लस माइनस √2² -4AC, सी कितना है -2√3। हमने रूट वाले क्वेश्चन इसलिए लिए कि बच्चे जनरली इसे देख के घबराते हैं, अरे रूट कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको और इजी किया जाएगा, कैसे इसको देख के जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस √2² 4, √2² 2, 4 2 8, ओके माइनस 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 प्लस 4 2 8 और √3 × √3 3, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24 √2√3। ओके आगे बढ़ते हैं, तो अपना आएगा √2 प्लस माइनस 24 प्लस 8 इज 32। ठीक, 32 √2√3, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 प्लस माइनस 4 × 4 × 2, 4 4 16, 16 2 32। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहां पे आया 2√2, तो रूट के अंदर जो चीज दो बार होता है तो एक बार बाहर आ जाता है बाय 2√2। तो एक बार इसकी वैल्यू हम लोग प्लस के साथ लेंगे। ठीक, तो 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√2 कितना जाएगा 2 + 4 6√2 अपॉन 2√2, √2 से √2 कट गया, 2 से 6 कटा, एक आंसर क्या आ गया अपना 3। फिर एक बार हम लोग यही वैल्यू माइनस के साथ लेंगे, तो 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√2, 4 में से 2 गया 2, -2√2 अपॉन 2√2 कट जाएगा, कितना आएगा -1। तो हमारा एक वैल्यू आएगा 3 और एक वैल्यू आएगा -1, एक वैल्यू आएगा 3 और एक वैल्यू आएगा -1। तो आपके लिए एक फिर होमवर्क कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। जो हमारे जो दो वैल्यू आ रहे थे, ये जो 3 है ये -1 है, ये रूट्स होते हैं, जैसे हमने बात किया था ये दोनों रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ये रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट के नेचर कैसे होंगे, तो यहाँ पे ये डी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ डी लिखा हुआ है। डी क्या होता है, डी तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो हम लोग सीधाचार का फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसके बीच में एक वर्ड आ रहा था B² - 4AC, एक टर्म आ रहा था B² - 4AC, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी बोलते हैं। यही डी डिसाइड करता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। अगर डी 0 से छोटा है तो हमारे, अगर हमारा डी के वैल्यू इक्वल होगा 0 के, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल आएंगे। अगर हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 0 से, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें क्या होगा, इसके रूट्स में माइनस से समथिंग कुछ आ सकता है, -a, -1, -2 ऐसा कुछ नंबर आ सकता है, इसे हम लोग नॉट रियल बोलते हैं। फिर रियल एंड इक्वल तो 1 1 2 2 4 2 2 4 4 ऐसा कोई नंबर आएगा तो हम लोग रूट्स के अंदर -a, ठीक, -1 -2, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉट रियल। पर अगर हमारा 1 1 2 2 4 4 ऐसा कोई नंबर आएगा तो उसको रियल और इक्वल कहेंगे। और अगर इसकी वैल्यू 1 2 2 3 4 5 ऐसा कुछ आएगा तो रियल बट नॉट इक्वल, ठीक, रियल है पर इक्वल नहीं है, पर ये रियल है और इक्वल भी है। ठीक है, आइए इसी से हम लोग एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है 2x² + x - 1 = 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फिर से पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1,
ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू वन स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है टू है और सी की वैल्यू माइनस वन है। वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, फोर फोर टू जा एट, एट प्लस वन इज नाइन, नाइन आ गया। तो क्या हुआ, डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है जीरो से, डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है जीरो से। तो इसकी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहां कंपेयर कर लेते हैं, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर, सी इक्वल टू फोर। यहां पर निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो कि डी की वैल्यू है, ठीक। तो बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू फोर, माइनस फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन सिक्सटीन कितना हो गया जीरो हो गया। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू भी वन। फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू वन का स्क्वायर, फोर वन इंटू वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री। इससे क्या हो गया, डी की वैल्यू जो हो गई लेस देन हो गई जीरो, डी की वैल्यू क्या हो गई लेस देन जीरो हो गई। तो इसका क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर या नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ओके दोस्तों, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बच्चों के जनरली क्वेरी रहते हैं कि सर ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन और जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आते हैं, वो बहुत टिपिकल होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। आइए उसको हम लोग सॉल्व करने की, इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम ध्यान से हमारी वीडियो देखिएगा और पूरी देखिएगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज 5 किलोमीटर एन आवर, अगर ट्रेन अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है, तो जर्नी विल बी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो वो अगर 10 घंटे में पहुंच रहा तो अब क्या करेगा, 2 घंटे कम में पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ा दिया। सपोज ये पहले 50 की स्पीड से जा रहा था तो 10 घंटे पहुंच रहा था, अब 55 की स्पीड से कर दिया तो अब 8 ही घंटा में पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, हमको ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारे दोस्तों, एक्स प्लस फाइव, ठीक। हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारा क्वेश्चन में ये रिजल्टेंट टाइम दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में रिजल्टेंट टाइम दिया है, तो हम लोग ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हमारे को रिजल्टेंट टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, 300 किलोमीटर, ठीक, और ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, एक्स किलोमीटर आवर, जिसको हमने सपोज किया है किलोमीटर पर आवर। फिर न्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी वही है इसलिए 300, और न्यू स्पीड, न्यू स्पीड हमारे पास है एक्स प्लस फाइव। ऐसा करने में उसको कितना जल्दी पहुंच जा रहा है, 2 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक। पुराने वाली स्पीड में से नई वाली स्पीड को माइनस कर दिए तो हमारा क्या हो गया, 2 घंटा टाइम बच गया। तो आइए उसको देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स और एक्स प्लस फाइव, तो आएगा यहाँ पे 300 हम लोग कॉमन करके साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स इक्वल टू टू, तो यहाँ पे आएगा 300, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ फाइव बचेगा, अपॉन ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या पहले ही काट लेते हैं, 2 × 2 और यहाँ पे 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू 55 या 75।
इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, आइए फिर देखते हैं, इसको इधर बुलाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 750 इक्वल टू जीरो। अब 750 को ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे, 750 को इधर देखते हैं, 750 को ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि माइनस करने पे 5 आए, माइनस करने पे 5 आए, तो हम लोग लिखेंगे 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, 30 में 25 माइनस करते कितना आता है, 5 आता है, और 30 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे 75 भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 एक्स माइनस 750 इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 750 इक्वल टू जीरो। ओके आगे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक तरफ बचेगा एक्स प्लस 30 और दूसरी तरफ माइनस 25 कॉमन करेंगे तो फिर बचेगा एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 30 दोनों ब्रैकेट में है, तो एक्स प्लस 30 कॉमन कर लेंगे, आएगा एक्स माइनस 25 इक्वल टू जीरो, फिर इन दोनों को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 30, फिर एक्स माइनस 25 इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू 25 आ जाएगा। हमारी स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए इस स्पीड को नहीं लेंगे हम लोग, किस स्पीड को लेंगे, इस स्पीड को लेंगे। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर, हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 25 किलोमीटर पर आवर। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन बोट वाली है, ठीक। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट्स कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पीड बतानी है। पहले हम लोग बोट से रिलेटेड कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, पहले आइए देखते हैं। सपोज करें ये स्ट्रीम है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमारे जो स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में है, ठीक। अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक, विथ स्ट्रीम जाते हैं, इसको कहते हैं विथ स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, ठीक। अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो इसको हम लोग विदाउट स्ट्रीम बोलेंगे या अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक। तो इधर जाएंगे तो हमारी जो नाव होगी वो भी धारा के साथ जाएगी, नाव की कुछ स्पीड होगी, धारा की कुछ स्पीड होगी, तो दोनों साथ साथ जा रही हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और अगर हम लोग उल्टा जाएंगे तो धारा इधर चल रहा है ना, हमारी नाव इधर जाएगी, एक दूसरे को अपोज करेगी, तो अपोज करेगी तो एक्स माइनस वाई, हमेशा नाव की स्पीड ज़्यादा होगी, धारा की स्पीड कम होगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बनेगा तभी जब नाव की स्पीड ज़्यादा है और धारा की स्पीड कम है। ओके आइए हम लोग अब अपना क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक। तो हमारी जो बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, हमारी स्पीड ऑफ बोट क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। हम लोग स्टीम की जो अपना स्पीड है तो उसको हम लोग एक्स किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो ये अप स्ट्रीम कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम का क्या होगा, 15 माइनस एक्स होगा, और डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमारा रिजल्टेंट अभी भी, तो हमारे क्वेश्चन का रिजल्टेंट था वो टाइम था, ठीक। तो हम लोग वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया, 30 किलोमीटर दिया हुआ था। 30 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, एक्स 15 माइनस एक्स करेंगे। फिर बोला रिटर्न भी आ रहा है 30 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में आएगा 15 प्लस एक्स, और उसके बाद उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, रिटर्न ओरिजिनल पॉइंट टू 4 आवर 30 मिनट, कितना टाइम लग रहा है,
दोनों को टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर 30 मिनट। तो यहाँ जो ये 4 तो आवर में पर 30 मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1/2, तो 4 2 जा 8 और 1 9/2। ठीक, इसको लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 15 15 माइनस x और 15 प्लस x मिल के हो जाएंगे 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ 30 कॉमन कर लिए तो हो गया 15 प्लस x प्लस 15 माइनस x इक्वल टू 9/2। x से x कट जाएगा, 15 और 15 मिलके 30 हो जाएगा, 30 × 30 / 225, 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, 3 3 = 9, 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 100 बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इक्वल टू 225 माइनस x स्क्वायर, तो x² = क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमारी स्टीम की स्पीड क्या मिल गई, 5 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड ऑफ स्टीम क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड क्या थी, 15 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपको और ढेर सारी और बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ना, और पहले जो क्वेश्चन आए उसी को लगाना, जो क्वेश्चन ना आए उसको लगाने की कोशिश नहीं करिएगा।